Hi everyone, my name is Harshita Khurana and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPCL Rajasthan Refinery Limited की जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में, जॉब वैकेंसीज के बारे में. और बिफोर आई गो अहेड, लेट मी टेल यू कि बहुत अच्छी बात इन वैकेंसीज के बारे में ये है कि अगर आपने सिर्फ BSc भी कंप्लीट की हुई है तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट देम. डिटेल में अभी बात करेंगे, ठीक है? तो सारी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, कितनी वैकेंसीज हैं, उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस कैटेगरीज, हर चीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो एंड तक देखना पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए. शुरू करते हैं. एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक कोलैबोरेशन है ये, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड. और इसका जो प्लांट है वो कहाँ पर है, रिफाइनरी है जो बेसिकली वो कहाँ पर है, इट्स इन द बलोता डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. अब सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं बट हमारे लिए सारी एप्लीकेबल नहीं है. हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की वैकेंसी, जिसमें 60 वैकेंसीज हैं और कोई वर्क एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर नहीं है. एंड मैक्सिमम आपकी जो एज हो सकती है इसमें अप्लाई करने के लिए वो 25 होनी चाहिए. कब 25 होनी चाहिए? 11 मार्च 2024 को आपकी एज जो है वो 20, मतलब जो आप 25 से कम होनी चाहिए जिस दिन आप, 11 मार्च 2024 बेसिकली कट ऑफ डेट है, ठीक है? तो 11 मार्च 2024 को अगर आपकी एज 25 से एक्सीड कर चुकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, अदरवाइज आप एलिजिबल हो, ठीक है? अब इसके पे स्केल के में भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, और 30,000 से 1,20,000, बट इसका मीनिंग क्या है वो आप थोड़ा सा आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है? तो मेनली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए यही एप्लीकेबल है, बाकी भी बहुत सारी वैकेंसीज है बट मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वो रेलिवेंट है, ठीक है? और एक और वैकेंसी है जिसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ, जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल तो है बट उसके लिए 12 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. जस्ट आप अपनी ये आप कंसिडर कर सकते हो कि आपकी नॉलेज के लिए है, वैसे आपको इतना इसका कुछ यूज नहीं आएगा. तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइज, मूव टू द नेक्स्ट पेज. वेट वेट वेट, ओके. तो हेयर वी आर. सबसे पहले सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, तो एक ये वैकेंसी भी है जिसमें, बट इसमें 12 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. तो अगर आप किसी को जानते हो जिसको 12 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है क्वालिटी कंट्रोल जैसी डोमेन्स में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वो पहली वाली जो वैकेंसीज हैं वो ही एप्लीकेबल होंगी. आपकी एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 20 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है. 15 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और यहाँ पे कट ऑफ डेट लिखी हुई 11 मार्च 2024. इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भी वर्क एक्सपीरियंस और जो भी आपकी एज, हर एक का क्राइटेरिया के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 11 मार्च 2024 है. मतलब उस दिन आपका जो इतना एज है या उस दिन आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सब का कैलकुलेट होगा, उसके लिए ये कट ऑफ डेट दी गई है. अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल है, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है BSc. तो इसके अंदर दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तो आपके पास क्या होना चाहिए ना, डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास BSc विथ केमिस्ट्री होना चाहिए, ऑनर्स चाहिए. यहाँ पे ध्यान देंगे, नॉर्मल अगर आपकी BSc है तो आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर आपने पॉलीमर केमिस्ट्री में BSc की हो या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में. 60% मिनिमम मार्क्स है जनरल के लिए, 50% है आपके जनरल OBC और AWS के लिए 60%, और 50% है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए. इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि एक मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करके रखा करो, क्योंकि आगे बहुत सारी जॉब्स में इस तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि BSc ऑनर्स होना चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करो, या फिर इंडस्ट्रियल या पॉलीमर केमिस्ट्री में आपकी BSc होनी चाहिए. MSc रिक्वायर्ड नहीं है, तो दैट इज अ गुड न्यूज है, ओके, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 60 है. तो ये यहाँ आपकी जॉब डिटेल्स है, और आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखी हुई है. जैसे मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर है, सिंपल लैब टेस्ट कैरी आउट करना, क्वालिटी कंट्रोल देखना, तो ये कंप्लीट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर लिखी हुई है. अच्छा, ये PDF अगर आपको चाहिए तो ये आपको द मेंटर्स ऐप पर जॉब अलर्ट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है? तो मेंटर्स ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अब आगे चलते हैं. तो आगे ना बहुत सारी जितनी भी वैकेंसीज है, सबकी नंबर, सबके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो. बट अब हम उस पार्ट पे मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा सबसे पहले कि इसका मीनिंग क्या है, कि पे ग्रेड क्या है. तो CTC आपका कितना रहेगा इस पर्टिकुलर
वैकेंसीज पर जो सीटीसी है वो 7.78 लाख्स रहेगा, बिकॉज E0 ग्रेड है आपका, और तो आपका जो सीटीसी है वो 7.78 लाख्स करेगा। तो आई थिंक ये क्लियर है हमें, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 ईयर तक प्रोबेशन पे रहते हैं, वो मोस्टली हर जॉब में होता ही है, तो 1 ईयर तक इसमें प्रोबेशन रहता है। एंड नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें नाइट शिफ्ट भी होंगी, ठीक है। तो इसमें जो पोस्टिंग होगी इसमें सिर्फ डे शिफ्ट नहीं, नाइट शिफ्ट भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज की सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए ना यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है कि कंप्यूटर 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, और पर्सनल इंटरव्यू। तो 3 टेस्ट हैं यहाँ पे। उसमें सबसे पहले आपका जो है ये है, फर्स्ट चीज सबसे पहले है जन, अच्छा इसमें ना एक पॉइंट में शायद आपको बताना वहां पे रह गया कि आपकी जो डिग्री है वो BSc, तो ठीक है आपने क्यों होनी चाहिए, बट 11 मार्च 2024 को आपसे पहले पहले आपको BSc की डिग्री मिली हुई होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। 11 मार्च 2024 की जो कट ऑफ डेट है उसका मतलब यही है कि उस दिन से पहले आपको डिग्री जो है वो मिली हुई होनी जरूरी है, डिग्री मिली हुई होना जरूरी है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर वेकेंसी, इन पर्टिकुलर वेकेंसीज के लिए, ठीक है, तो BSc की डिग्री होना जरूरी है, सिर्फ मार्कशीट से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 पार्ट्स हैं। अभी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसका जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश लैंग्वेज, वो जो जनरल एप्टीट्यूड की चीजें होती है वो पूछी जाएंगी। सेकेंड है टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें बेसिकली आपका मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, बट उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जैसा कि इन्होंने कहा है कि आगे आने वाले टाइम में साइट पर डाली जाएगी, बट बेसिकली आपका जिस भी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, अगर आप BSc केमिस्ट्री से, तो मेनली उसके क्वेश्चंस रहेंगे टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज में, और जनरल एप्टीट्यूड में आपके रहने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि जो बच्चे CBT क्वालिफाई करेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, जिसके 2 पार्ट्स हैं, उसके बाद उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखो दिया भी हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिनिमम आपके 60% जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, ओवरऑल। और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो पार्ट है उसका, उसमें 50% होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आपका अगेन 40% होना चाहिए अनरिजर्व के लिए, और यहाँ पे दिया गया है पर्सनल इंटरव्यू में भी 40% होना चाहिए ओवरऑल। आपको ये दिया गया है कि ओवरऑल लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, कि आपकी ओवरऑल जो है CBT में आपके क्या परसेंटेज आ रही है, एंड स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, और वो आपको यहाँ पे बताया गया। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स वो लिखे गए हैं कि जो सिलेक्शन है वो किन किन बेसिस पर। इम्पॉर्टेंट बात ये जानने कि पहला स्टेप इसके अंदर भी आपका टेस्ट ही रहने वाला है, जिस टेस्ट के 2 पार्ट्स होंगे, जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, बाकी सारी तो एक बार ये होगा तो उसके बाद स्किल टेस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन आई जाएगी, उसके बाद आपकी इंटरव्यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन आई जाएगी, बट फर्स्ट स्टेप के बारे में जानना राइट ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये है आपका, तो डिटेल आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिटेल सिलेबस जो है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो आगे अभी अपलोडेड नहीं है, बट आगे अपलोड कर दिया जाएगा HRRL की वेबसाइट पर। तो यहाँ तक अपने को अगेन क्लियर होना चाहिए सारा पॉइंट, ठीक है। तो अभी सिलेबस कहीं अवेलेबल नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली देखो जनरल एप्टीट्यूड सेम रहता है तो वो सेम ही रहेगा, और केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं मोस्टली, BSc लेवल तक के जो केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो आई थिंक आपको यहाँ तक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो कम्प्लीटली समझ में आ गए होंगे, और भी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, जैसे रिजर्वेशन को रिलेटेड आपको दी गई है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो आपने हमने कहा ना टोटल 60 वैकेंसीज हैं जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की हैं, वो आप देख सकते हो टोटल 60 वैकेंसीज हैं, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 25 अनरिजर्व्ड हैं, EWS 6 हैं, OBC 16 है, SC 9 है, ST 4 है, तो इससे टोटल 60 होती है, ठीक है। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है, और आपके सर्टिफिकेट्स जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बारे में यहाँ पर गिवन है। और नेक्स्ट आपका जो है PWD से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है,
और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसकी फी कितनी है, कहाँ अप्लाई करना है, HRRL की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये इसी ब्रोशर में जो PDF है ना उसी में ही लिंक है HRRL की वेबसाइट का, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना आपका फी कितना है, तो 1180 प्लस अगर आप पेमेंट गेटवे चार्जेस लगेंगे थोड़े बहुत और तो वो, बट मेनली 1180 इसकी एप्लीकेशन फी है, और आप जो है वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से पे कर सकते हैं, ठीक है। HRRL www.hrrl.in पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। करियर्स में करंट ओपनिंग्स में आपको इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर फिल करना, जैसे आप किसी भी एग्जाम में फिल करते हो, ईमेल आईडी और फोन नंबर वही डालना जो वर्किंग हो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे कम्युनिकेट की जाती है, ठीक है। तो ये और वहां पे आपको अपना डे वेन्यू और वगैरह भी सिलेक्ट करना होगा CBT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो उसको आप प्रॉपरली जो है वो फिल कर सकते हो। कोई भी डाउट आए एप्लीकेशन प्रोसेस में तो मुझसे कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो। तो गाइज ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू दिस, कुछ और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, मैं आपको सबको सुजेस्ट करूंगी कि काफी बड़ी सी PDF है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, और अगर आपको कोई भी इसमें ये सब भी लिखा हुआ है कि इनकेस आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो तो बाद में आप नो मैटर आपके इतने भी मार्क्स आ रहे हैं आपको एलिजिबल नहीं समझा जाएगा, वो सब चीजें यहाँ पे गिवन है। तो इस PDF को एक बार गो थ्रू कर लेना, और स्पेशली अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो उससे रिलेटेड आपको सारी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे और वो सब, वो भी यहाँ पे गिवन है। सो विद दिस आई थिंक वी विल एंड दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन मेन पॉइंट्स हमने सारे समराइज कर दिए हैं इस वीडियो में। मेन इंपॉर्टेंट अच्छी चीज ये है कि सिर्फ BSc के बेसिस पे ही आपको इसमें यू कैन यू नो गेट स्टार्टेड विद दिस जॉब, तो अप्लाई जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, और ये PDF द मेंटर्स ऐप के जॉब अलर्ट सेक्शन में आप सबको अवेलेबल रहेगी, तो वहां से आप जाके डेफिनेटली जो है इस PDF को चेक कर सकते हो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो और इस तरह की वीडियोस आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे इसके लिए दो काम करने हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, द मेंटर्स ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ नोटिफिकेशंस आ जाती हैं जब भी इस तरह की कोई भी जॉब अलर्ट्स आते हैं, और द मेंटर्स ऐप पे उसकी वीडियोस भी आपको यूट्यूब चैनल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो फॉर्म में भी दे दी जाती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।